मैंने देखा आप यहाँ पर बैठे हुए थे, तो आपकी बेचैनी देख के मुझे भी थोड़ा दर्द हुआ। तो अच्छा, आप ये बताइए हमको कि इस काम को आप कितने दिन से करते हैं? लगभग बचपन से ही? बाप दादा यही काम करते। अच्छा, बाप दादा यही काम करते थे, और आज आपके आगे पीछे कोई है नहीं जो आपका खर्चा चला सके? और आपके मतलब वो जानकी पत्नी जी हैं? वो हैं। अच्छा अच्छा, आप मतलब यहाँ से जब जाते हैं कमा के, तो जो भी कमाते हैं उसी से खर्च चलता है, फिर सुबह दिन भर इसी को बनाते हैं, फिर शाम को यहाँ बेचने आते हैं। तो लगभग कितना बेच लेते होंगे आप? अच्छा जी, उसमें कितना कमाई? अच्छा अच्छा, आज नहीं बिका, सारा का सारा रुका हुआ है? और रखे हैं। अच्छा अच्छा जी, लेने बाहर पड़ता है। हाँ हाँ जी जी। तो चलते चलते दोस्तों, आज मैं आया था बाबा विश्वनाथ की नगरी में, तो मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ दिखाता चलूं। तो कभी कभी दोस्तों, जब भी कहीं जाइए, ज़रूरत की चीज़ें ना हो तो भी उसे आप खरीद लीजिए। हो सकता है दोस्तों आपकी छोटी सी ज़रूरत, छोटी सी चीज़ों को खरीदने पर किसी की खुशियाँ फिर से वापस आएँ और किसी के घर में दीप जले। इस काम को तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ खाना चाहते हैं यहाँ पर जो इच्छा आपकी कहे? और कोई नशा पत्ती करते हैं क्या? नशा पत्ती कुछ नहीं। अच्छा, कभी काल पान खा लेते हैं? हाँ। भाई बनारस में रहते हैं तो पान तो लाजमी है खाना। कोई नहीं। दोस्तों, हमारा भारत देश सांस्कृतिक सभ्यता में सबसे ऊपर माना गया है, माता पिता सर्वोपरि होते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है जो माता पिता की कद्र नहीं करता या जो माता पिता से मोहब्बत नहीं करता, वो दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं करता होगा, मेरी नज़रों में। चलिए मैं आपको पहले कुछ खिलाता हूँ, आइए खड़े हो जाइए, आइए दुकान पर। चलिए कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, वीडियो देखते हैं? थैंक यू। अभी वही हुआ, हम लोग भी देखे कि ये आप। अच्छा जी, कैसे आ गए? बिहार के से डोनेट भी किए थे। अच्छा जी, थैंक यू। आइए दादाजी, इधर आइए, जो खाना चाहे आप खा सकते हैं। खिलाइए दादाजी, जितना भी खाना है खा ली दीजिए। इसको हम लिए हैं, इसको हम लिए हैं, आप खाते रहिए। छोड़िए, धीरे से धीरे छोड़िए छोड़िए, बहुत मेहनत करते हैं इतनी उम्र में आप। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका मैं चैनल देखता हूँ रेगुलर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी इच्छा है, धन्यवाद जी, ये आपको हमेशा दुख रखते जी, जी निकाल दो, गिरने न पाए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कुछ खाएंगे? इसे कैसे संभालते हैं आप? सेट करते होंगे, सेट करते होंगे। हाँ सर, कितना हुआ पैसा? इन्हीं बनारस की गलियों में आप जीवन गुजार दिए? हाँ। अच्छा अच्छा, मालिक पर विश्वास है? अच्छा जी, क्या बात है। तशरीफ फरमाएं, आराम से बैठिए। जो करते हैं वही ना करते। जी जी जी, यही आप खाए नहीं ज़्यादा, दो ही खाए, उतने से क्या होगा? नुकसान नहीं करता हो, अच्छी चीज़ है ना। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारे भारत की एक ऐसी देसी चीज़ है जिससे पंखा किया जाता है। थोड़ा से दोस्तों दिल दिमाग को सुकून और चैन मिलता है। तो दोस्तों होता ये, बहुत से सारे लोग आते हैं, फैंसी चीज़ों को यूज करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है और आप लोगों से निवेदन भी है कि कहीं भी जाइए, जो देसी चीज़ें हो ऐसी चीज़ों को खरीदिए, और जिससे किसी गरीब परिवार का पेट भी भरे और उनका गुजर बसर भी होता रहे। और दादाजी इन सब चीज़ों को अपने हाथ से स्वयं मेहनत करके बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया टोटल 52, इनका कितना हो गया? 52, कितना पैसा हुआ? 520 रुपये। तो दोस्तों इनके सारे पंखे 520 रुपये के हो गए, और चलिए हम इनके सारे पंखे को ख़रीद लेते हैं आज, ठीक है? कुछ कम करेंगे? कुछ कम करेंगे? कम नहीं करेंगे, कुछ कम कर दीजिए। देखिए ये वाला 15 का भी भेज। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा वाला 15 का, छोटा वाला 10 का। अच्छा तो चलिए ठीक है, 520 रुपये, 500 रुपये दे दें, हो जाएगा? दे दें, इसको पकड़िए, ये 500 रुपये ले लीजिए आप, ठीक है? दोस्तों ये टोटल 520 रुपये का है, मैंने दादाजी को 500 रुपये दे दिया। खुश हैं आप? नहीं खुश हैं, एक 500 और ले लीजिए आप हमारी तरफ से। आप खुश हैं? लेकिन एक और चाहिए था ना, दिल मांग रहा है, दिल एक और 500 की मांग रहा है। चलिए अच्छा, एक 500 ले लीजिए आप, ले लीजिए, रखिए आप, ठीक है दोस्तों? लेकिन घर में परिवार है तो इतने में नहीं चल पाएगा, एक 500 रुपये तो और बनता ही है, एक 500 आप और ले लीजिए, ये ले लीजिए।
लीजिए। क्या है क्या खैर? अरे रख लीजिए, आप दादाजी हैं। कितना हुआ? 2000। आप खुश हैं? आप 1500 ज़्यादा है ना। चलिए आप 500 एक और ले लीजिए। अब उतने से क्या होगा, एक और ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दादाजी बहुत मेहनत करते हैं इसलिए इनकी हेल्प होनी चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है तो भी उसको एक खरीद लीजिए, हो सकता है उससे दादाजी के जीवन में खुशियाँ आएँ। लेकिन चलते चलते दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि एक 500 और हमारी तरफ से, ये आप देख। तो दोस्तों लेकिन दिल कह रहा है कि एक और दे देते तो थोड़ी संतुष्टि और मिल जाती है। अगर इजाज़त हो तो दे दें। दे दें, चलिए ठीक, एक और ले लीजिए आप। ठीक, आप दोस्तों बस कितना हो गया? 3000। कितना हुआ? 3000। लेकिन दोस्तों अगर 3000 है तो आप बताइए 3000 में क्या होगा? दादाजी जाएंगे, कुर्ता खरीदेंगे, अच्छे से कपड़े खरीदेंगे, तो 3000 में तो होगा नहीं। तो हो सकता है कम पड़ जाए, तो 501 रुपये और आप ले लीजिए। आप ठीक है? कम होगा सर? अभी कम है, कम है पैसा? नहीं नहीं कम है। कितने का सामान था? 500। 500 होगा, कितना मिला? 3500। चलिए अभी 500 ले लीजिए। आप ठीक हैं? अब आशीर्वाद देंगे कभी नहीं देंगे? चलिए अच्छा, आप तो दे ही दीजिए। अब दीजिए आशीर्वाद, सर पे हाथ रखिए। ठीक है, लेकिन 1500 तो और ले लीजिए आप, अगर ऐसी बात है। कितना हुआ? ठीक है सर। दादाजी दोस्तों अब एक खुश हैं, एक बार मुस्कुराइए। ठीक, तो आप मेहनत कर रहे हैं, हमको बड़ी खुशी हुई। दोस्तों दादाजी मेहनत करके खाते हैं, ये कर्म योद्धा हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। इसी बनारस की गलियों में इनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। तो चलते चलते दोस्तों मैं इनके लिए 1500 की नोट तो और बनता ही है, ये आप और ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब ज़्यादा ना हो जाए, और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिएगा। भैया की जय हो। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। अब ठीक हैं आप? अब हम लोग जाएँ? अब इसको आप, इसको भी आप रख लीजिए। आप खुशी हैं? इसको आप बेचिए, फिर हम आते हैं गलियों में, फिर मुलाकात होगी। खड़े हो जाइए भैया, जहाँ देखते हैं सब। खड़े हो जाइए भैया, अब खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। जी जी, जाए अब हम ना, खुश हैं। ठीक ठीक ठीक, चलते हैं भैया। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, एक आम जनमानस तक पहुँचाइए। अपने अगल बगल किसी भी गरीब को जितना हो सके आप मदद करते रहिए। और एक चीज बता दूं भैया को, अभी मैं आपको फेसबुक के माध्यम से देखा है, लेकिन भैया अभी एक गरीब को 50,000 रुपया दे रहे थे, उसके बाद 5,000 रुपया हमेशा आप मदद करते रहते। ऐसे इंसान पृथ्वी पर बहुत कम मिलते हैं हम सबके बीच। थैंक यू भैया, आपके यूट्यूब चैनल बहुत हम देखते हैं। थैंक यू भैया, हम आपको एक बार फोन भी किए थे, लेकिन फिर हाँ थोड़ी व्यस्तता रहती होगी। दादाजी आप भी आ जाइए थोड़ा सेल्फी में। एक हमको दे दीजिए एक तो। हाँ ठीक ठीक है, थैंक यू दादाजी। तो दोस्तों वीडियो बनाने का एक मकसद ये होता है कि आप भी अगर सीने में दिल रखते हैं तो मोहब्बत से किसी न किसी के काम आइए। दोस्तों छोटी सी जिंदगी है 4 दिन की, और कोई यहाँ से बच के जाएगा नहीं। तो ऐसा मेरा मानना है, कुछ पल की है जिंदगानी, और एक रोज है सबको जाना, परसों की क्या सोचें, एक पल का नहीं ठिकाना। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों थैंक यू, आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। मुरली वाले हौसला, बाय।